हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी जीडी 2023-24 के बारे में एक नई प्रॉब्लम आ गई है बच्चों के साथ। जो बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं अभी फ़िलहाल, उनके फॉर्म नहीं डल पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट डेट अब आपकी होने वाली है 31 तारीख आपकी, उसमें लास्ट डेट है। और लास्ट डेट से मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लास्ट डेट से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज जो है कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई है, उन्होंने जो बताया है उनके जो एरर आ रहा है उनके जो भरने में। अब आपको बतानी है किस तरीके से ये चीज़ आपको सोल्व करनी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे क्लिक करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए बच्चों, एसएससी साइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अगर अपना यूज़र पासवर्ड आप लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके फॉर्म में क्या गलती हुई है, क्या गलती नहीं हुई है। आप वहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। आपको सारी डेटा यहाँ पे दी गई है, इसीलिए आपको ये डेट दी जाती है, जिससे कि आप अगर कोई गलती भी कर दें तो उसे आप एक बार चेक कर लें जाके। तो अपना आपको चेक जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरने के बाद बस तैयारी में लग जाते हैं, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों, यदि आपकी नींव भी अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे तैयारी करके, एक बार देख लेना कि आपने फॉर्म अच्छे से भरा है या नहीं भरा है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, अपना करेक्शन फॉर्म कभी भी नहीं खुलवाते हैं। एक बार फॉर्म भर गया तो करेक्शन फॉर्म नहीं, लेकिन करेक्शन फॉर्म खोल के आपको देखना चाहिए कि हमारा फॉर्म सही है, कोई गलती कोई मिस्टेक तो नहीं है, ऐसी चीज तो नहीं है कोई जल्दबाजी में मैंने भर दी है। तो उस चीज को बिल्कुल आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अब जानते हैं बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए बच्चों के साथ यहाँ पे जो फॉर्म वो भर रहे हैं, यूआरएल जो अभी फिलहाल जो है उसमें एरर आ रहा है, तो यानी कि वो नहीं भरा जा रहा है, यानी साइट इतनी बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर किस तरीके से हम फॉर्म भरेंगे, तो सर आपको बता दूं मैं बच्चों, आपको फॉर्म क्या करना है, अब आपको रात में फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको 9 बजे के बाद फॉर्म भरना है, क्योंकि दिन में आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उस पर, इसीलिए जो है साइट थोड़ी अभी स्लो चल रही है। आपको पता होगा एसएससी ने पहले ही लिख के दे दिया था कि 31 तारीख लास्ट डेट तक वेट ना करें, सभी पहले ही अपने फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में साइट थोड़ी बिजी चलती है। तो इसीलिए बच्चों उन्होंने पहले भी बोल दिया था, और मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका फॉर्म अभी नहीं भरा गया है। तो बच्चों रात में आप फॉर्म भरिएगा तो आपका फॉर्म जरूर सबमिट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारा फॉर्म नहीं डलेगा, तो बच्चों डल जाएगा, लेकिन रात में डालना है आपको। अगर देखते रहना, ट्राई करते रहना है, अगर आपका फॉर्म नहीं डल पा रहा है तो ट्राई आपको करते रहना है, क्योंकि आपको पता होगा साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, इस टाइम पर साइट नहीं खुल पाती है, तो आपको एक बार रात में भी ट्राई कर लेना है। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ से परेशान थे। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए थी, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।